तो ये है हमारा कारखाना, लाइट चालू कर। तो ये है कारखाना, तो यहाँ पे सब बनता है, बहुत सारी चीज़ें दिखा जा रहा कुछ तो बस बनता है ऐसे। क्या क्या हो गया? जितना ठंडा अंदर रहने दो। वो भी है, अभी 2 घंटे 3 घंटे तक क्या कर सकते हैं। तो रमज़ान की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई हमारी। फ्रिज ख़राब हो गया हमारा, जितना अंदर सामान है अभी उसका क्या करें वही सोच रहे। वैसे तो हम लोग को लेना था डबल डोर, हम लोग बहुत टाइम से सोच ही रहे थे कि लेना है लेना है, बट ये चल रहा था तो अब चला रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि लेना ही पड़ेगा। ये बिगड़ गया है और उसमें एक एक्चुअली मेजर काम आ गया कुछ। तो जब मैंने अभी जस्ट फ्रिज वाले को जाकर पूछा तो उसने बोला भाई बना तो दूंगा पर उतनी कूलिंग देगा नहीं देगा पता नहीं, तो इसमें गैस लीकिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो गया। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड ही कर लिया कि भाई चलो आज जाके ले ही लेते, क्योंकि इतने दिन से सोच रहे थे, सोचते सोचते वो कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यों ना यही महीने ले लेते लेके ख़त्म करते, क्योंकि रमज़ान में तो भाई इतना सारा सामान रहता है जो फ्रिज में रहता है, जैसे चिकन हो गया ये हो गया सब ख़राब हो जाएगा मेरा, वेजिटेबल से लेके सब कुछ। चल 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 तो अभी हम लोग आए क्रोमा, लेकिन मलाड वाला नहीं कांदिवली वाला। काम करता रहेगा, 40-30 करता रहेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग का जो फ्रिज है ना वो इतना सा है और उसके ऊपर लगा है पीछे एक्वा गार्ड, तो चलो उसमें कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग को साइज़ के हिसाब से लेना पड़ रहा है। तो हम लोग को बजट में जो है सैमसंग वाला पड़ रहा है, ये डबल डोर और वर्लपूल है, तो हम लोग अभी कंफ्यूज है ये ले कि ये ले। नहीं नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रख दूंगी। तो ये वाला पसंद आया, टॉल बॉटल गार्ड इसमें ऐसा है, पर इसका एक ही प्रॉब्लम हम लोग को लग रहा है, ये जो बहुत छोटा है। इसका डीप कैसा डीप किया? मैं जिसका मैं एडजस्ट करूंगी। एटलीस्ट यहाँ पे आइस मेकर डब्बा दिया। क्या देख रही है? ऑटो वाला। कट 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 कर कर। फिर इसको अपने को पूरा नॉच चेंज करना पड़ेगा पाइप। क्यों? अलग से। तो ले थोड़ी रहो अभी, मैं तो बोल रही चल रहा है ना फिलहाल, वो बर्नर चला चुपचाप अभी। तभी कभी बोल रहा है बिलिंग कभी करेगा, बिलिंग कभी करेगा, कर रहे ना। तो हम लोगों ने वही वाला फाइनल कर दिया, वो जो कौन सा था सैमसंग का, सैमसंग वाला, क्योंकि उसमें नीचे स्पेस ज़्यादा था तो हम लोगों ने सोचा चलो वही ले लेते, ज़्यादा फिर देखने जाएंगे तो हम लोग की जगह नहीं बच रही है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला चलो उसको फाइनल कर देते। बट अभी यहाँ पे खड़ा रहना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बिकॉज ये इधर जा रही है उधर जा रही है, क्या क्या देख रही है। तो अभी उधर क्या बोल रही थी, फिर गैस का गैस ले लेते। तुम ही बोले थे तुमको ऑटो चाहिए, लाइटर वाला नहीं चाहिए, तो मैं प्राइस निकाल दूँ 5,000 से ज़्यादा में रहता हूँ भरोसा नहीं। और ये वाला है कबाड फ्रिज, इसमें आप लाशें छुपा सकते हो। नहीं ये लाशें वाला नहीं है, लाश वाला ये है, इसके अंदर आप लाश छुपा सकते हो, ये सब निकाल के डाल देने का हो गया। तो मुबारक हो नया फ्रिज। मुझे क्या मुबारक, मेरे को बोल रहा हूँ। तुझे चाहिए था ना बड़ा ठंडा पानी, आप दुनिया के सामान अंदर तू भरती है, मैं थोड़ी। क्या ये चाहिए? नहीं पानी बहुत लगता है, पानी बहुत लगता है ना, वैसे भी लेने वाला नहीं। ये रहा अपना इफ्तार, इफ्तार का टाइम हो चुका है और अपन इफ्तार कर रहे हैं। तो अभी हमारा फ्रिज आने वाला है, कल जो ऑर्डर किया था आ जा रहा है। आ गया क्रोमा का टेम्पो, अभी जरा फ्रिज निकलवाएंगे अंदर से। अपना सैमसंग वाला है, सैमसंग का फ्रिज पीछे वाला। अब यहाँ पे फ्रिज तो आ गया, बट इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई नहीं आया, तो कल ही आएगा लग रहा है, क्योंकि आज संडे है और इल्ले। वैसे मैंने कस्टमर केयर पे भी कॉल कर दिया और वहाँ पे भी कॉल करके बोल दिया कि भाई किसी को भेजो, क्योंकि
फ्रिज आ गया है, हम लोग अर्जेंट में चाहिए था इसलिए वहाँ से जाकर लिया, वरना हम लोग लोकल शॉप से खरीदते तो भी वो भी लाकर दे देता। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होती है इसलिए हम लोग वहाँ पे गए, लोकल शॉप पे नहीं होते इतनी वैरायटी। हाँ बोलने का अभी तो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर आज आ गया तो आज आ गया, आज फ्रिज इंस्टॉल कर देंगे। मुझे एक चीज़ याद आ गई, सो सॉरी, कल मैंने जो ब्लॉग में बोला था कि मैं जो लैम्स है उसके बारे में बताऊँगा, आके बात करता हूँ जिम से, बट मैं नहीं कर पाया, मैं खुद भूल गया, तो आज मैं आपको बताता हूँ। कहाँ चले? अंदर खोलो, अंदर चलो। तो ये है हमारा कारखाना, लाइट चलो कर। तो ये कारखाना, तो यहाँ पे सब बनता है, बहुत सारी चीज़ें दिखा जा रहा कुछ तो। पर्स बनता है ऐसे, क्लच आता है, क्लच। बहुत लोगों को लैम में इंटरेस्ट है, जरा लैम दिखा दे। तो यही हमारा छोटा सा ऑफिस और यहाँ पे ये सब बनता है, जो जितने भी डिजाइन है सब इसके क्रिएशन है मेरे भाई के। और आपने जैसे देखा लैम्प्स, तो बहुत लोगों को ऐसा चाहिए था कि खरीदना है, या तो दिखाओ एटलीस्ट, टूर तो करा दो कि कैसा लगता है आपका कारखाना, जो भी है बिजनेस, जितना जो छोटा छोटा आपका बिजनेस है वो। तो हम लोग फिलहाल अभी ये बना रहे हैं लैम्प्स, तो उसमें अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि एक बड़ा वाला यहाँ पे है, दूसरा एक इधर है, ये एक है, एक अभी रमजान स्पेशल चालू है चांद का, और एक ऐसा है, एक खुला नहीं है, एक राउंड वाला है, एक ये है, 6-7 डिजाइन है टोटल। तो हम लोगों को ऐसा होलसेल या फिर रिटेल का काम नहीं है, हम लोग मैन्युफैक्चरर है, तो बल्क में ऑर्डर बनाते हैं फिर बाद में बेचते। फिलहाल तो अभी जैसा रमजान है तो आसपास जो भी आते जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने डिस्प्ले में लगा दिया, जिसको खरीदना है वो खरीद के लेके जाएगा, 10-10 पीस एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो अभी आप में से बहुत लोगों को खरीदना है, तो इसको कैसे खरीदे, मेन चीज क्या बता दूं आपको पहले, तो ये जो लैम्प है ये बड़ा लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इसको हल्का इसलिए बनाना पड़ता है ताकि आपके सीलिंग पे अच्छे से लग सके। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको डिलीवर कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो प्रॉब्लम हम लोग को वही आ रही है। हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर इसको सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि दिखता बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट डेलिकेट है। तो इसका एक बार ये लग गया तो इसका काम शुरू हो जाता है, इसके बाद में तो उसका हाथ भी नहीं लगाना, पर हमारे यहाँ से आप तक पहुँचाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे इसको कैसे करें। फिलहाल हम लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पेज बनाया है, तो हम लोग उस पर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स डालेंगे, और फिर एक बार जैसा सब सेट हो जाए कि कुरियर कैसा क्या करना है, हम लोग की बिजनेस में नहीं है, अगर एक बार सेट हो जाए तो हम लोग फिर सोचेंगे इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो जो भी रहेगा फिर देखिएगा, ऑर्डर ले लेंगे हम लोग। तो इतना, इसके अलावा हम लोग क्या बनाते हैं अपना मेटल पर्स, तो इसमें भी बहुत सारे वेरियंट है, तो ये अभी अनफिनिश्ड है, जैसे अंदर अभी कुछ नहीं है, तो इस पर अंदर कपड़ा लगेगा, तो वेलवेट लगता है ना अंदर, वेलवेट का कपड़ा लगता है, तो फिनिशिंग पूरी होने के बाद में इसको बेचा जाता है। इसका फिनिश प्रोडक्ट ये भी एक क्लच, तो ये मोस्टली वेडिंग्स में काम आती है वाली। ये है, ये तो आपने देखा होगा बहुत सारे शादियों में, खास कर गुजराती शादियों में देखा रहेगा, मारवाड़ी शादी में देखा रहेगा, ऐसा आंटीज लेके घूमते क्लच, तो ऐसा कुछ बनता है हमारे यहाँ पे। अगर जो कोई आसपास रहता है मेरे घर के मालवनी 6 नंबर के आसपास, तो आके एक बार डिस्प्ले में देख सकते हैं, बाद में ले सकते हैं यहाँ से अगर लेके जाना चाहो तो। ऑनलाइन वाला सीन जो है मैं आपको बताऊंगा, जल्दी अपडेट करूंगा कैसे करना है, अमेजोन अगर मैं अमेजोन या ऐसा कुछ डालू तो भाई बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना? नहीं अभी फिलहाल इसको मतलब यहाँ पे बाहर ही हम लोग के घर के नीचे ही दुकान है, तो जिसको अगर चाहिए रमजान के लिए तो फिलहाल यहीं पे आके, अगर आसपास रहते हो तो यहीं से ले सकते हो, और बाकी किसी को अगर दूर रहता है पर्स चाहिए तो एक हफ्ते का वेट करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक विंक सब लोग शेयर कर देंगे, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, हम लोग ऑर्डर आपको बता देंगे कितने दिन में आ जाएगा, कितने दिन में नहीं, कुरियर वाले से बात करें। और जो दुकान है वो मगरिब के बाद ही खुलेगी, कब तक रहेगा? 10 बजे तक, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, हम लोग का काम जैसे खत्म होता है तो बाहर जाके हम लोग थोड़ा सा लगा देते हैं, अब्बा बैठे रहेंगे बाहर तो जाके अब तक देख ले रहा। जाओ पर क्या कपड़ा,
क्या? अरे हाथ जोड़ मेरा, क्या कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाय। तो आज फाइनली इंस्टॉलेशन वाला आ गया और अभी हम लोग का फ्रिज इंस्टॉल होने वाला है, मतलब डेमो वेमो मिलने वाला है, उसको अंदर लेके जाएंगे अभी। सब सामान निकाल दे साइड में करते। तो ये हमारा फ्रिज, अभी इसको अंदर लेके जाएंगे, वहां पर लगाएंगे। बस इतना, बस बड़ा और ले लो। तो ये नया अपना फ्रिज लग गया, चालू हो गया, अभी वारंटी चालू हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस, इसको अभी अलविदा करेंगे अपन। तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो पुराना फ्रिज बाहर रख दिया, अभी ये किसी ना किसी को दे देंगे हम लोग बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें पर लेकिन इसमें भी 3-4 हज़ार रुपया खर्चा आ गया, तो पता नहीं कोई लेगा भी नहीं लेगा क्या, या फिर कबाड़ जैसा काम आने वाला है बाहर को सामान रखने के लिए। फिलहाल तो नया वाला फ्रिज आ गया, टेंशन खत्म हो गया अभी, एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल 5 साल जो भी है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अगले 1-2 दिन में ज़रूर बताऊंगा नीचे वीडियो में, अगर जो भी इंटरेस्टेड है आप उस पर DM करके ऑर्डर कर सकते हो, मेरा भाई पूरा हैंडल कर लेगा। अगर हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाए, अगर चांसेस ये है कि 50-50 है कि हम लोग डिलीवर करें या नहीं करें, पता नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स अलग रहते हैं, इसके लिए ऑर्डर्स अलग निकालने पड़ेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, ज़रूर अपडेट करूंगा उसके बारे में। फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।